Hello everyone, how are you all? Hope so you all are fine. Welcome to my channel Study with Knots. And so now our today topic is median. Median आज का हमारा topic है और इसमें देखो हम median को पहले समझ लेते हैं कि median आता कहाँ से है. हम कर रहे थे measures of central tendency. Measure of central tendency मतलब कि जो averages होती हैं, मेजर ऑफ लोकेशन होती है जो हमें पूरे इतने बड़े डाटा में से एक सिंगल फिगर देती है. जो वो सिंगल फिगर होती है वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम एवरेज बोलते हैं. अब इस एवरेज को निकाला कैसे जाता है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. इसमें दो तरह के मेन आते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ एवरेजेस अगर हम देखें तो मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस. मैथमेटिकल में सबसे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीन तरह के मीन आते हैं, जिसमें से अर्थमेटिक मीन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी वीडियो सीरीज जिसका नाम है स्टैटिस्टिक एंड एडवांस स्टैटिस्टिक. तो उसमें आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन को. आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो पोजिशनल एवरेजेस का सबसे फर्स्ट वाला मेथड है, जो कि है हमारा मीडियन. उसके बाद हम करेंगे पार्टीशन वैल्यू, जो बिल्कुल मीडियन से मिलता है. बस हल्की सी इसमें चेंजेस होती हैं. वो क्या चेंजेस होती हैं जब इसकी वीडियोज़ हम करेंगे तब मैं बताऊँगी क्या इसमें चेंज करना होता है. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ये पार्टीशन वैल्यू है वो मीडियन का ही एक तरीके से टाइप है, ठीक है. और उसके बाद हम करेंगे मोड, और उसके बाद हम जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की तरफ चलेंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा मीडियन. मीडियन क्या है? मीडियन एक अनदर इंपॉर्टेंट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का, या फिर हम ये कह सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को लोकेट करने का. जो मीडियन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर है. और क्या कहते हैं कि एक पोजिशनल एवरेजेस से आया. जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे करवाया, तो ये क्या है, यहाँ पर देखो मीडियन. मीडियन किसका पार्ट है? मीडियन पोजिशनल एवरेज का पार्ट है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि मीडियन इट इज़ अ पोजिशनल एवरेजेस. मीडियन क्या है? एक पोजिशनल एवरेज है. उसके बाद देखो, जो मीडियन है इज डिफाइंड एज अ मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज. अब देखो, जो ये मिडल वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये x है, x में इतनी सारी आइटम्स दे रखी हैं. अब इतनी सारी आइटम्स में से जो मिडल ऑफ द सीरीज होगी, जैसे ये वाली आइटम है, ऊपर वाले सेम छोड़ दो, नीचे वाले सेम छोड़ दो, जो ये बीच वाली आइटम है इसे हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है. तो मीडियन इज डिफाइंड एज अ मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज. एक सीरीज की जो मिडल वैल्यू है उसको हम बोलते हैं मीडियन. लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि इस सीरीज को हमने ऑलरेडी अरेंज करना चाहिए, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. कैसे? जैसे ये सीरीज थी, हमें क्वेश्चन में दी, इसे सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करो. अरेंज करने के बाद देखो कि मिडल ऑफ द वैल्यू कौन सी है. इसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि कौन सी होगी, तो फॉर्मूला अपनाएंगे आप आगे मेथड्स में. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पहले जितनी भी सीरीज है उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो, और उसके बाद क्या है, मीडियन को फाइंड आउट करो, ठीक है. तो यहाँ पर वही बोला हुआ है, विच इज ऑलरेडी अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. मीडियन इज द वैल्यू. मीडियन एक वो वैल्यू होती है विच डिवाइड करती है सीरीज को इंटू टू इक्वल पार्ट्स. अब देखो, यहाँ पे मीडियन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि ये हमारा मीडियन है. मीडियन निकालते ही हमें पता चला कि एक ऊपर वाला प्रपोर्शन है हमारी सीरीज का और एक नीचे वाला प्रपोर्शन हमारी सीरीज का. तो यही कहना चाहते हैं कि मीडियन एक वो वैल्यू है, ये एक वो वैल्यू है मीडियन, जो एक सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ठीक है. तो मीडियन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. अब देखो, मीडियन को निकालने के तीन तरीके होते हैं, जैसे कि हमने मीन में भी किया था कि तीन ही तरीके होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यू सीरीज. लेकिन मीन में बहुत सारे आगे मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट, तो इस तरीके के मेथड्स थे. लेकिन यहाँ पर वो मेथड्स नहीं है. यहाँ पर सीधा हमें इंडिविजुअल सीरीज में हमें ये देखना है कि वो ऑड सीरीज है या इवन सीरीज है. अब ऑड और इवन नंबर ऑफ सीरीज क्या होती है? ऑड नंबर ऑफ सीरीज होती हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है. और इवन क्या होती हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है. अब इनको याद करने का तरीका देखो क्या होता है कि ओड कौन सी होती है और इवन कौन सी होती है. यहाँ पर देखो कितने वर्ड्स हैं, 1, 2, 3, मतलब ये किसकी बात करिए, 3 वाली लाइन, मतलब 1, 3, 5, 7, ठीक है. तो ये 3 इसमें आता है, तो ये वो वाली बात है. अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, इवन 4 नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ये किसकी बात करिए, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है. तो ये वाली सीरीज किसकी बात कर रही है? तो यहाँ पर देखो, इंडिविजुअल में दो चीज़ें आती हैं, सबसे फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ सीरीज एंड सेकेंड इज इवन नंबर ऑफ सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में ऐसी कोई भी बात नहीं होती, ऑड हो चाहे इवन हो, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा. उसके बाद कहते हैं कि कॉन्टिन्यू सीरीज. कॉन्टिन्यू सीरीज में भी फॉर्मूला जो होगा वो सेम रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे. नेक्स्ट देखो,
हम चलते हैं हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ की तरफ। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या कहता है कि अगर हमारी ऑड नंबर हो तो हम कैसे करेंगे और इवन नंबर हो तो कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट हम ऑड नंबर की तरफ चलते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ऑड नंबर दिया गया हो, हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज़ ऑड हो, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले को अपना के हम अपना सम जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेती हूँ। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स सीरीज़ में 2, 9, 8, 7, 5, 6 एंड 4। अब देखो, जब भी हमें मीडियन निकालना हो, जब भी हम मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या करना होता है, इस सीरीज़ को अरेंज करना होता है। अरेंज किस में करना होता है? हमें अरेंज करना होता है, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब हम किस अकॉर्डिंग करें, हम अपने अकॉर्डिंग, देखो मैं उठाती हूँ असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में उठाते हुए तो मैंने क्या किया, इस सीरीज़ को मैंने कन्वर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ तो सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पर 2, फिर आएगा यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ओड सीरीज़ है, ओड सीरीज़ का हम एग्जांपल कर रहे हैं। तो इसमें देखो, अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहता है, n+1/2th आइटम, ठीक है, तो ये हमें करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसके नंबर्स देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर जब हम लिखेंगे तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि कितनी नंबर्स हैं, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 है। 7 क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 7+1/2 कितना आया यहाँ पर, 8/2, 4। मतलब कि क्या कहता है, फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम अगर आप देखो तो यहाँ पर फोर्थ आइटम कौन सी है, 6। तो आपका आंसर क्या होगा, 6। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा मीडियन है वो क्या है, 6 है, जो कि फोर्थ प्लेस पर है। इसीलिए कहते हैं कि ये एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन बताती है। पोजीशन क्या बता रही है कि फोर्थ जगह पर, फोर्थ पोजीशन पर कौन है, फोर्थ पोजीशन पे 6 नंबर है, तो इसलिए हमारा जो मीडियन होगा वो 6 आता है। अगर आप अरेंज नहीं करते इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपका आंसर जो होगा वो गलत निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना होता है। इवन नंबर ऑफ सीरीज में भी सेम फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर क्या होता है, m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आंसर होता है वो डेसिमल्स में निकलता है, पॉइंट्स में निकलता है। जब पॉइंट्स में आंसर निकलता है तो हम आंसर मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या कहता है कि हमें साइज ऑफ n/2th आइटम करना है और साइज ऑफ n/2th+1th आइटम जो है हमें लेना है, उसे डिवाइड कर देना है हमें 2 से, ठीक है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास है एक x की सीरीज़ है। तो यहाँ पर जो x की सीरीज़ है उसमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, कुछ आइटम्स ली, जिसमें हमने 200, 217, 264, 284, 296, 299, 1316, 317। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्वेशंस ली। टोटल देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कौन सी है, इवन नंबर है। जब हमें पता चले कि इवन नंबर ऑफ सीरीज है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम, ठीक है, हमने यही किया था। अब इसको देखो 8 है, 8+1/2, तो यहाँ पर 9/2 कितना आ जाएगा, 4.5। अब 4.5 4 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, तब क्या ले, हम दोनों को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें क्या करना है, n/2th आइटम + n/2th+1th आइटम हमें ये लेनी है। अब n/2th आइटम हमारे पास क्या है, n/2th आइटम मतलब कि हमारी निकाल लो यहाँ पर n/2, 8/2 हमारी टोटल नंबर ऑफ सीरीज क्या है, 8। तो 8/2 हमारे पास आइटम कितनी है, तो फोर्थ आइटम हमारे पास ये वाली। तो इसको करो टोटल 284 प्लस, अब यहाँ पर देखो 8/2 + 1। अब देखो इसमें डिफरेंस है, इसमें जो ये बोला गया है कि n/2 + 1 और n+1/2, इसमें फ़र्क है। अब यहाँ पर देखो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर अगर हम करेंगे 8/2 + 1 मतलब कि 4 + 1 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 8+1/2 यहाँ पर आएगा हमारा 9/2
और इसको अगर हम कट करेंगे तो दैट इज़ 4.5। तो इसीलिए इन दोनों जो बातें हैं, ये दोनों इनमें फ़र्क है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पर n बाई टू प्लस वन आइटम लेनी है, जिसमें हमने कहा 8 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाई टू प्लस वन, तो यहाँ पर 4 प्लस वन फिफ्थ, तो फिफ्थ आइटम हमारे पास जो है वो 296 है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बाय टू, हमारा फॉर्मूला यही कहता है। तो इन दोनों को करेंगे तो इन दोनों को टोटल करके हमारे पास आता है, हमारे पास जो इसको टोटल करके आएगा 578 डिवाइड बाय टू, टू ऐसे ही चला गया। ठीक है, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आता है 289। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन है वो कितना है, 289। अब कहना क्या चाहता है, ना 284 है, 296 भी नहीं है, इसके बीच का जो हमारा मीडियन होगा वही निकलेगा, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ आइटम्स में यहाँ पर जब हमने ये निकाला ऑब्जर्वेशन से तो ये कितना निकला, 4.5, मतलब इन दोनों के बीच का, तो आंसर मीडियन भी इन दोनों के बीच का ही होगा। ठीक है, तो यही कहना चाहता है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब देखो डिस्क्रीट सीरीज़, आपको अब अगर आपने मेरी अर्थमेटिक मीन की अगर सीरीज़ देखी है तो उसमें डिस्क्रीट सीरीज़ आपको पता चली होगी, जहाँ पर हमें x की एक सीरीज़ भी दी होती है और f की सीरीज़ भी दी होती है। तो एक वो सीरीज़ है जिसमें x और f दोनों दी होती हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट हमने क्या करना है, f को चेंज करना है या कन्वर्ट करना है इंटू cf, cf मतलब कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को पुट करना है, इस फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है, और जो मीडियन निकलेगी वो वैल्यू यहाँ से निकलेगी, हम फॉर्मूला करेंगे, हम सम करेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सम लेते हैं, सम क्या कहता है कि x और f हमें दिया हुआ है, हमारे डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब ही यही है कि हमें x और f दोनों ही दिए होंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें x में 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 दिया हुआ है, और f में क्या दे रखा है, 2, 5, 12, 20, 10, 7 और 3, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें स्टेप में क्या बताया गया कि f को चेंज कर दो किस में, cf में, तो cf बनाओ। cf अगर आपको नहीं बनानी आती है तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो उसमें आप जाके cf बनाना देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, हम 2 को 2 लिखते हैं, सेकेंड में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, फिर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 19, यहाँ इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 39, फिर इन चारों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49, फिर यहाँ इन चारों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56, फिर यहाँ पे इन पांचों को ही प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 59, तो टोटल कितना हो गया 59। अब इसको पूरे को टोटल ही तो किया है, तो यहाँ पर जो f होगा, समीशन ऑफ f इज़ इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, 59। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जब भी हम ये समीशन ऑफ f करते हैं तो n इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ f, ये कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्क्रीट सीरीज में f का मतलब क्या होता है, f कहता है कि ये जो वैल्यू है हमारी सीरीज में कितनी बार आ रही है, तो ये वैल्यू 2 बार आ रही है, तो यहाँ पर हम 2 बार अलग अलग 10 और 10 लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, 10 को ऐसे 2 बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर बात तो वही होगी ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है f, तो यहाँ पर टोटल ऑफ f या फिर n क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1 बाय 2 वाला। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट n प्लस 1 बाय 2th आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद n कितना है हमारा, n हमारा है 59। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि इसको काउंट करने लग जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 + 1/2 कर देना, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपकी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। ठीक है, तो 59 है प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 60, 60 डिवाइड बाई 2 इज 30, तो आपका जो है वो 30th आइटम आएगा। अब 30, अब यहाँ पर क्या करना है, 30th आइटम किस में देखनी है, हमें देखना है इसमें कि 30th आइटम किस में आ रही है, तो यहाँ पर 2 में नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, ये भी बड़े हो गए, तो 30th आइटम जो है वो इसमें आ रही है। ठीक है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या है, 16, तो हमारी मीडियन क्या होगा, हमारा आंसर निकलता है कि मीडियन जो है वो हमारा क्या है, 16, 16th जो वैल्यू है वो मीडियन की वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ 30th आइटम इट्स लाइज अगेंस्ट 39 एंड हुज वैल्यू इज 16, सो 16 इज़ आवर मीडियन। होप सो क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला है जो आपको याद करने की ज़रूरत है, इतना टफ फॉर्मूला नहीं है, बिना देखे भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ। मीडियन क्या कहता है, यहाँ पर मीडियन को निकालने का कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला जो है, एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल और ईजी है। देखो एल वन क्या है, एल वन आपको पता है, L1 किसको बोलते हैं, लोअर वैल्यू को बोलती हैं ऑफ क्लास इंटरवल। अब कौन सी लोअर वैल्यू होगी जब हम क्वेश्चन में करेंगे तब पता चलेगा। n बाई टू, n बाई टू, टू तो पता ही है मैथमेटिकल वर्ड है। n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम हर बार करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में जो n होता है वो इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ, मैंने अभी बताया आपको समीशन ऑफ एफ क्यों होता है। उसके बाद एफ, एफ मतलब हमारी जो फ्रिक्वेंसी हम सिलेक्ट करेंगे, सी एफ जो भी सी एफ सिलेक्ट की जाएगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो सिलेक्ट की जाएगी, आई मतलब जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा कि किस तरीके से ये होगा। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चन क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, मार्क्स में क्या दिया हुआ है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, यहाँ तक हमें मार्क्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमें एफ दे रखी है, एफ को हम क्या करेंगे, एफ हमें दे रखी है जैसे 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5, 2, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है सी एफ। सी एफ निकालेंगे तो यहाँ पर वही सेम तरीका, हमने 6 का 6 लिखना है, फिर हमें इन दोनों को प्लस करना है तो हमारा हो जाएगा 18, फिर इन तीनों को प्लस करो 35, फिर चारों को 65, फिर पाँचों को 75, 6, 85, फिर सातों को, ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा 93, फिर आठ इनको, इसको भी, और तो ये हो जाएगा 98, फिर 100 टोटल। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लगा कि टोटल ऑफ एफ कितना है, 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, जो होता है एन बाय टूथ आइटम, n by tooth item। इसमें अब हमें क्या करना है कि जो हमारा n by tooth item है उसे हमें निकालना है, उसके बाद हम कुछ चीज़ें निकालेंगे, जैसे हमारी सी एफ क्या होगी, f क्या होगी, l1 क्या होगी, तो ये हमें पता चलेंगे। ठीक है, कहाँ से, n by tooth item से। तो यहाँ पर देखो 100 हमारा f आया, मतलब f यहाँ पर हमने बोला समीशन ऑफ f इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ पर n हमारा कितना हुआ, 100। ठीक है, डिवाइड बाई टू कितना हो गया, 50, मतलब 50th आइटम हमें क्या है निकालनी है। अब इसमें एफ में देखो 50th आइटम किस में आएगी, इसमें रिप्रेजेंट होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट इज़ एम। ठीक है, ये हमारा एम निकल गया, उसके ऊपर वाले को हम बोलेंगे सी एफ। ये एक तरीका है, यही मेथड है कि आपको इसको एम लिखना है, ऊपर वाले को सी एफ लिखना है, एम के इधर वाले को हमें एफ लिखना है, जो एफ की सीरीज में उसे एफ लिखना है, उसके इधर वाले को हमें क्या है, एल वन रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमें पता चल गई हैं कि किस में कितना है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, m इज इक्वल्स टू एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। एल वन क्या है, एल वन हमारा कितना निकला, 15, तो बस इसी वैल्यूज को क्या है हमें पुट करना है, एन बाई टू, एन बाई टू मतलब 100 डिवाइड बाई टू। ठीक है, सीधा सीधा आप 50 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपकी मर्जी है। सी एफ, सी एफ कितना आया, 35, एफ कितना आया, 30, आई, अब आई की बात आती है, आई मतलब जिस क्लास इंटरवल्स की हम निकाल रहे हैं उनकी क्लास इंटरवल देखो, क्लास इंटरवल मतलब उसके बीच का कितना गैप है, 15 to 20 कितना गैप है, 5 का, तो आई कितना है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 प्लस 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, प्लस 50 माइनस 35 मतलब 15 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 5।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 15 2 और सेम यहाँ से अगर हम करें तो 2.5, ठीक है। अगर हम 15 प्लस 2.5 करें तो दैट इज 17.5। तो हमारा जो मीडियन निकला वो कितना निकला, 17.5। अब एक चीज़ और, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आंसर 17.5 निकल रहा है क्या वो सही है या नहीं है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि जब भी आपका आंसर निकलेगा तो आपकी जो भी क्लास इंटरवल से आपने L1 डिसाइड किया है, F डिसाइड किया है, या जो आपकी M वाली सीरीज निकली है, ये पूरी लंबी जो लाइन है इसमें जो हमने ये 15.20 किया तो हमने कितना किया, 15 to 20। तो मीडियन भी इसी के बीच का आएगा, 17.5 इसके बीच का आंसर है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी है कि जो भी आंसर आएगा वो आपकी इसी सीरीज़ के बीच का होना चाहिए, और यही हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है, एम फॉर मीडियन। और सबसे बड़ी बात, जो मीडियन है हमने पहले किया अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मीडियन होता है मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोड को किससे करते हैं, जेड से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है तीनों में। आओ अब हम चलते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। अब हमारा ये तो हो चुका है, अब देखो थ्योरेटिकल पोर्शन क्या कहता है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, मतलब कि मीडियन की क्या मेरिट्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं मीडियन से, हमें क्या पता चलता है, क्या है क्या नहीं है, और क्या क्या उसमें क्या है, कमियां हैं खामियां हैं, ठीक है। तो वो हम करते हैं। फर्स्ट देखो, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, ये चीज़ तो देखो अगर आपको समझना अच्छा लगा, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, तो ये चीज़ आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं अगर आपको समझ आया है, ठीक है। ईजी टू लोकेट इट द पोजिशन, इसमें देखो हम बात ही यही कर रहे थे कि पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज मतलब कि हमें पोजिशन के बारे में बताएगी, पोजिशन के बारे में बताएगी, तो हमें क्या है मीडियन से ये पता लगा कि पोजिशन क्या है, मिडल ऑफ द सीरीज जो है वो हमारी मीडियन है, इसलिए हमें क्या है पोजिशन को लोकेट करने में क्या है ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मीडियन। नो इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, अर्थमेटिक मीन की वीडियो देखी थी आपने, तो उसमें क्या था, अर्थमेटिक मीन अफेक्टेड होता था एक्सट्रीम वैल्यू से, लेकिन मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एक्सट्रीम वैल्यू पड़ी है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पड़ी है, तो उससे इफेक्ट नहीं होगी, हमें तो मीडियन मिड ऑफ द वैल्यू निकालनी है, मिड ऑफ द सीरीज जो होगी वैल्यू उसे निकालना है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती। फिर क्या कहते हैं कि मीडियन कैन बी लोकेट ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ऑगिव्स, ग्राफिकली होता है जियोग्राफिकल नहीं होता, दैट इज मीडियन कैन बी लोकेट ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ऑगिव्स, इसको हम ऑगिव्स की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। ऑगिव्स क्या होते हैं, मैंने आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में बताया था, और इसको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से लोकेट किया जाता है, ठीक है। मीडियन की ही एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम ग्राफिकली देखेंगे कि मीडियन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, मोस्ट सुटेबल एवरेज, अब जो मीडियन है वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल एवरेजेस हैं जब भी हमें क्या है डील करना हो इन द क्वालिटेटिव फैक्ट्स। अब क्वालिटेटिव फैक्ट्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स मतलब कि जैसे कि हमारी ब्यूटी होती है, इंटेलिजेंस है, या फिर एस्टी होती है, जिनको हम क्या है क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। हम किसी की ब्यूटी को ये नहीं कह सकते पर्सन को 5 नंबर देते हैं, इसको हम 10 नंबर देंगे, तो ऐसे नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन इस पर्सन के कंपैरिजन में सुंदर है, अच्छा है, ठीक है। या इंटेलिजेंट की बात करें तो हाँ ये बंदा इससे क्या है इंटेलिजेंट है, ये बंदा ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है क्वांटिटी नहीं बता सकते कि इसको हम 5 देंगे, इसको हम 10 नंबर देंगे, तो इस तरीके से नहीं दे सकते। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि ये वहाँ पर सुटेबल है जहाँ पर क्या है क्वालिटी की बात की जा रही है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ ओपन एंड एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज होती हैं, जैसे ओपन एंड एंड सीरीज को भी मैंने डिस्क्राइब किया था इन द वीडियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ओपन एंड एंड सीरीज में भी ये बहुत अच्छा सुटेबल होगा, अप्रोप्रिएट मेथड है। उसके बाद क्या है, इसको रिजिडिटी डिफाइन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ मीडियन, ओके। नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, डीमेरिट्स ऑफ मीडियन क्या कहते हैं कि मीडियन में ऐसी कौन सी खामियां हैं। सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सम अरेंजमेंट्स, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको क्या है मीडियन में जब भी आपको एक सीरीज दी गई होगी, ठीक है, जब भी एक्स वैल्यू दी होगी तो उसको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एंड या फिर उसे क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी जो आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, सबसे फर्स्ट जो इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं लगाए। अब आप सोचो क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वो ऑलरेडी
जो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर थी उसमें अरेंज की गई थी, क्वेश्चन में ही अरेंजमेंट थी। अगर अरेंजमेंट नहीं है तो आपको क्या है, उसको फर्स्टली रिक्वायरमेंट होती है आपको कि आप उसको अरेंज करें इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग करना भूल जाते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग निकल जाएगा, जिससे आपका क्या है मार्क्स कट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी कमी इसमें यही है कि इसको आपको पहले क्वेश्चन को अरेंज करना होगा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन सिंस इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज। कहते हैं कि ये जो है मीडियन जो है वो सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है इसमें जो कि मिडल ऑफ द वैल्यू है। जैसे कि ये एक्स सीरीज है तो एक्स सीरीज में जो मिडल ऑफ द वैल्यू है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको भी हम इग्नोर करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज है उनको भी इग्नोर करेंगे। सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मिड ऑफ द वैल्यू, जिसे हम मीडियन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि नॉट कैपेबल फॉर फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट एंड मीन हैज दिस कैपेसिटी। हमने पहले किया कि मीन क्या है, मीन के पास ये कैपेसिटी है कि वो फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन और बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। तो वहाँ पर क्या है जो मीन है वहाँ पे मीन का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो मीडियन है एंड मोड है उसका यूज़ नहीं होता। तो मीडियन की सबसे बड़ी इसमें कमी क्या होगी कि मीडियन हम कैलकुलेट तो करते हैं लेकिन उसकी फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। फोर्थ क्या कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ आइटम आर इन अ सीरीज इज इवन, अगर नंबर ऑफ आइटम क्या है एक सीरीज में इवन हो, इवन नंबर मतलब कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो अगर इस तरीके की सीरीज होती है इट कैन नॉट बी कंप्यूट एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो आंसर होता है वो एग्जैक्टली नहीं आता, क्योंकि नहीं आता क्योंकि पॉइंट्स में आता है। जब भी पॉइंट्स में आंसर आता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो 4.5 आया था, तो इसके लिए हमें फिर एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। तो ये क्या होता है एक बहुत ही एक लंबा स्टेप हो जाता है जो हमें क्या है एक हर्डल क्रिएट करता है इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। सो जब भी इवन नंबर होंगे तो हमें इजली कैलकुलेट नहीं हो पाता। उसके बाद क्या कहते हैं कि डिफिकल्टी टू कैलकुलेट व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। अगर नंबर ऑफ सीरीज एक नंबर ऑफ सीरीज में नंबर ऑफ आइटम जो है वो बहुत ही लार्ज है या बहुत ही स्मॉल है, एक मीडियम टाइप का होना चाहिए, मिडरेट होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ी डाटा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो भी बहुत कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टीज आएंगी, और लार्ज होगा तब भी हमें क्या है डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो कहते हैं मीडियम टाइप का जो डाटा है वो होना चाहिए इन द सीरीज़ सो दैट हम ईजिली कैलकुलेट कर सकें। तो ये था हमारा मीडियन। तो मीडियन को होप्स आपको समझ आया होगा। मीडियन आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो मीडियन का हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अब वाली वीडियो समझ आई है और अगली वीडियो आप बहुत जल्दी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी कुछ अगर आपको लगता है मीडियन में रह गया तो मुझे बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली, लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।